अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएसए की इकोनॉमी से मुतल्लिका जो डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेरिका की करेंसी जो है दैट इज़ डॉलर, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर भी कहा जाता है और एब्रिविएटेड फॉर्म में यूएसटी से शो करते हैं। अमेरिका का जो फिस्कल ईयर है ये अक्टूबर 1 से स्टार्ट होता है और अगले साल सितंबर 30 को ख़त्म होता है, जिसको मालियाती साल भी कहा जाता है। यूएसए दुनिया की कई एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, जिनमें नुमायां तौर पे हैं WTO, G20, G7, OECD, USMCA और APEC, और इसके अलावा कई एक और। अमेरिका एक डेवलप्ड एडवांस्ड इकोनॉमी है और हाई इनकम इकोनॉमी में इसका शुमार होता है। अमेरिका की पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 33,46,87,065 पर मुश्तमिल है, ये 2023 के लेटेस्ट अदाद शुमार के मुताबिक है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो 2023 के एस्टीमेट के मुताबिक नॉमिनल जीडीपी जो है वो 26.854 ट्रिलियन डॉलर्स है, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से जीडीपी की बात करें तो वो भी फिगर सेम है, यानी 26.854 ट्रिलियन डॉलर्स। मोस्टली कंट्रीज़ में नॉमिनल जीडीपी कम होती है और परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से जीडीपी ज़्यादा होती है, बट इन केस ऑफ यूएसए नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से जीडीपी बोथ फिगर्स आर इक्वल। जीडीपी रैंक की बात करें तो 2023 के आदादशुमार के मुताबिक अमेरिका नॉमिनल जीडीपी के अतबार से नंबर फर्स्ट पे है और परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से जो है वो सेकंड नंबर पे है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2022 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2.1% था, 2023 की फॉरकास्टिंग के मुताबिक इट इज़ 1.6% एंड 2024 की फॉरकास्टिंग के मुताबिक दिस फिगर इज़ 1.1%। जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2023 के एस्टीमेट्स के मुताबिक $80,034 है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से जीडीपी पर कैपिटा को देखें तो वो भी $80,034 है, और ये भी नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से जीडीपी पर कैपिटा सेम है। जीडीपी पर कैपिटा रैंक की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के अतबार से यूएसए पूरी दुनिया में 7th नंबर पे है और परचेजिंग पावर पैरिटी के अतबार से 9th नंबर पे है। तो अमेरिका की जीडीपी में मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनका शेयर कितना है, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है 0.9%, इंडस्ट्री 18.9% और सर्विसेज जो है इसका शेयर 80.2% है, यानी सर्विसेज सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं इन्फ्लेशन सीपीआई के अतबार से, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन का एक मोस्ट पॉपुलर मेजरमेंट का क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक अप्रैल 2023 की कैलकुलेशन के मुताबिक इन्फ्लेशन जो है वो थी 4.9%। उसके बाद पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन की बात करें तो 11.6% लोग जो हैं देवर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, और अगर इसको हम फिगर में देखें तो ये 38 मिलियन लोग बनते हैं जो कि पॉपुलेशन लाइन से बिलो लाइफ गुजार रहे हैं। तो नेक्स्ट जिनी कॉफिशेंट की बात करें तो जिनी कॉफिशेंट की दो फिगर्स हैं, इसमें अमेरिका के इंटरनल दो इदारे हैं, दोनों ने अलग-अलग जो है वो जिनी कॉफिशेंट की फिगर्स दी हैं। ये अमेरिका का एक यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ सेंसस है, इसके मुताबिक जिनी कॉफिशेंट की वैल्यू 48.9 है और जो कि हाई है, जबकि एक इदारा है CBO, इसके मुताबिक जिनी कॉफिशेंट की वैल्यू 43.4 है और ये मीडियम कैटेगरी में यूएसए फॉल करता है, यानी कि इनइक्वालिटी के एतबार से।
उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें यूएसए जो है इसका इसकी फिगर वेरी हाई है और यह 0.921। और उसके बाद ये जो नीचे वाली फिगर है ये इनफैक्ट इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की फिगर है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट ये आई एचटीआई को शो करता है और ये फिगर 0.819 है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मुरादी होती है कि चूंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन, हेल्थ और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है ये तीन इंडिकेटर्स शामिल होते हैं और इन तीन इंडिकेटर्स का एक कलेक्टिव इंडेक्स बना के उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। तो अब ये जो एजुकेशन, हेल्थ और जीएनआई पर कैपिटा है इन सेक्टर्स में अगर इनइक्वालिटी पाई जा रही है तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस इनइक्वालिटी को इंक्लूड करें तो उसको कहा जाता है आईएसटीआई। तो उससे फिर जो आईएचडीआई की वैल्यू है वो एचडीआई की वैल्यू से लो हो जाती है अगर इनइक्वालिटी पाई जाती हो। तो अमेरिका की केस में भी इनइक्वालिटी पाई जाती है और ये फिगर कम है। उसके बाद लेबर फोर्स की बात करें तो मार्च 2022 के आदादशुमार के मुताबिक लेबर फोर्स जो है वो 16 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा है और जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 62.4% है। और मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स में शामिल लोग उनका डिफरेंट सेक्टर्स में शेयर कितने परसेंट है। एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स का 1% इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री के साथ 19% लोग इन्वॉल्व हैं, सर्विसेज सेक्टर के साथ 80% टोटल लेबर फोर्स का लोग अटैच हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जनवरी 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% थी और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है यानी 16 साल से 19 साल तक के लोग दिसंबर 2022 के आदादशुमार के मुताबिक वो 10.4% है। उसके बाद 5.7 मिलियन लोग जो हैं दे आर अनएम्प्लॉयड, ये जुलाई 2022 के आदादशुमार हैं। और उसके बाद एवरेज ग्रॉस सैलरी की तरफ आएँ तो एवरेज ग्रॉस सैलरी जो है वो $60,575 है और ये एनुअल होती है, मतलब यहाँ पे एनुअल है। उसके बाद एवरेज नेट सैलरी की तरफ आएँ तो वो $50,354 बनती है। अब ये नेट सैलरी जो है इसकी फिगर कम है। ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में डिफरेंस ये होता है कि ग्रॉस सैलरी में टैक्सेस अभी इंक्लूड होते हैं, इंश्योरेंस की अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने डिडक्ट करनी होती है वो भी इंक्लूड होती है और मज़ीद जो डिडक्शंस होती हैं वो ग्रॉस सैलरी में नहीं की होती हैं। जबकि नेट सैलरी में इनकम टैक्स, अगर और कोई टैक्स है, इंश्योरेंस की मद में कोई पैसे गवर्नमेंट ने डिडक्ट करने हैं या किसी और मद में कोई डिडक्शंस करनी है तो डिडक्शंस होने के बाद जो अमाउंट एम्प्लॉय को मिल जाती है उसके डिस्पोजल पे होती है, दैट इज कॉल्ड नेट सैलरी। तो ये एवरेज नेट सैलरी एनुअली जो है वो $50,354 है। उसके बाद अमेरिका की मेन इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें पेट्रोलियम, स्टील, मोटर व्हीकल्स, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशंस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, लम्बर और माइनिंग शामिल हैं। एक्सटर्नली अगर अमेरिका की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 3.009 ट्रिलियन डॉलर्स हैं और मेन जो एक्सपोर्टेबल आइटम्स हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर्स और दीगर अशिया शामिल हैं। अमेरिका के जो मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं उनमें सबसे बड़ा यूरोपीय यूनियन है और अमेरिका की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से 18.7% वो यूरोपीय यूनियन को जाता है,
और इसके अलावा जो मजीद एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं उनमें कनाडा, मेक्सिको, चाइना और जापान शामिल हैं और दीगर कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इम्पोर्ट्स की बात करें तो 2022 के आदादशुमार के मुताबिक अमेरिका की इम्पोर्ट्स 3.957 ट्रिलियन डॉलर्स हैं और इसके जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनमें मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूल्स हैं, माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लस अदर्स हैं। मेन इम्पोर्ट पार्टनर्स में से चाइना नंबर वन पे है और टोटल अमेरिका जितनी इम्पोर्ट्स करता है उनमें से सबसे ज़्यादा चाइना से लेता है और वो उसका शेयर है 21.4%। बाकी इसके जो इम्पोर्ट पार्टनर्स हैं उसमें यूरोपीय यूनियन है, मेक्सिको, कनाडा, जापान और मज़ीद कंट्रीज़ हैं। एफटीए स्टॉक की बात करें तो इनवर्ड एफटीए स्टॉक जो है दैट्स वैल्यू इज़ 367 बिलियन डॉलर्स और आउटवर्ड एफटीए स्टॉक की बात करें तो दैट इज़ 403 बिलियन डॉलर्स। और अमेरिका जो है 2022 में इसका जो करंट अकाउंट था दैट वाज इन डेफिसिट और ही वाज फेसिंग डेफिसिट ऑफ 985.25 बिलियन डॉलर्स और ये इसकी जीडीपी का 3.93% बनता है। ग्रॉस एक्सटर्नल डेट की बात करें तो इसका जो ग्रॉस एक्सटर्नल डेट है वो 24.35 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी अमेरिका का जो फॉरेन लोन है या एक्सटर्नल लोन है या बैरूनी कर्जा है वो 24.35 ट्रिलियन डॉलर्स है। गवर्नमेंट डेट की बात करें तो गवर्नमेंट डेट से मुराद ये होती है कि एक्सटर्नल डेट प्लस इंटरनल डेट, यानी बैरूनी और अंदरूनी कर्जा दोनों को प्लस करें तो इसको गवर्नमेंट डेट कहा जाता है। तो अमेरिका का टोटल डेट जो है, टोटल कर्जा जो है अंदरूनी और बैरूनी, वो है 30.568 ट्रिलियन डॉलर्स और ये इसकी जीडीपी का 122.1% बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं ये दिसंबर 2022 में ये थे 242.47 बिलियन डॉलर्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक। थैंक यू वेरी मच।